नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। टीम इंडिया को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। टीम इंडिया की एक नई सीरीज का ऐलान हुआ है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जुलाई महीने में टीम इंडिया एक नई सीरीज खेलेगी, जिसमें आपको एक नई यंग टीम इंडिया देखेगी और टीम इंडिया का एक नया कप्तान भी आपको देखने को मिल सकता है। तो किस टीम के खिलाफ होगी ये सीरीज बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस सीरीज का ऐलान किया है क्रिकेट श्रीलंका ने। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने अपनी भविष्य की सीरीजों का ऐलान किया, जिसमें भारत के खिलाफ एक सीरीज है, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका में ही 3 वनडे और 3 T20I मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी। और खबर यह है कि सीरीज पर एक नई भारतीय टीम भेजी जाएगी एक नए कप्तान के साथ। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि इस सीरीज में आपको शुभमन गिल कैप्टेंसी करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल को एज भविष्य के कैप्टन के रूप में टीम इंडिया देखती है। और इस सीरीज में भारतीय टीम जो एक नई युवा टीम भेजी जाएगी, तो यहां पर शुभमन गिल आपको कैप्टेंसी करते दिख सकते हैं श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज में, जहां पर 3 T20I मुकाबले खेले जाएंगे और 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। और ये जो सीरीज है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जुलाई के महीने में खेली जाएगी। जून में T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जाएगा और उसके बाद जुलाई महीने में टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करेगी और वहां पर 3 T20I मुकाबले और 3 ODI मुकाबले खेलेगी। और इस सीरीज में एक नई यंग भारतीय टीम जाएगी, जहां पर शुभमन गिल को कप्तान भी बनाया जा सकता है। हालांकि इस खबर पे मोहर नहीं लगी है, लेकिन खबर यही है दोस्तों कि शुभमन गिल इस सीरीज में कैप्टेंसी कर सकते हैं और एक नई युवा भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ आपको 2024 जुलाई महीने में खेलते हुए नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो टीम इंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है, जिसके 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, 2 मुकाबले अभी बचे हैं। चौथा मुकाबला 1 दिसंबर को खेला जाएगा और 5वां मुकाबला 3 दिसंबर को खेला जाएगा।